Hello, students, and welcome to Best Learning classes. Today, we are going to discuss the topic that is Fund Based Accounting. So, let's get started. Fund Based Accounting means accounting whereby receipts of donations and incomes relating to a particular fund are credited to that fund and payments and expenses are debited to it. सबसे पहले फ़ंड बेज अकाउंटिंग होती क्या है फ़ंड बेज अकाउंटिंग मतलब एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जहाँ पे जो भी रिसिप्ट मिल रही हो एक पर्टिकुलर फ़ंड से रिलेटेड जैसे कि क्या होता है बिल्डिंग से रिलेटेड जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे फ़ंड्स मिलते हैं या फिर प्राइज़ फ़ंड मिलते हैं या मैच फ़ंड मिलते हैं टूर्नामेंट फंड मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के फंड्स एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं ठीक है तो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए कंपलसरी होता है कि उनको उस फंड्स को उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना है जिसके लिए वो फ़ंड्स मिले हैं जैसे अगर बिल्डिंग का फ़ंड मिला है तो वो फंड सिर्फ बिल्डिंग को बनाने के लिए ही यूज़ होंगे और कहीं पर भी वो फ़ंड यूज़ नहीं हो सकते तो उसी से रिलेटेड ही फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है जिसमें क्या होता है कि उस फंड से रिलेटेड जो भी रिसिप्ट हो रही हूँ फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उससे रिलेटेड डोनेशन मिलती है क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है ना इंट्रोडक्शन में कि जो भी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है है वहाँ पे जो भी इनकम आ रही होती है वो डोनेशंस के फॉर्म में भी आती है तो डोनेशंस जो होती हैं उस फंड से रिलेटेड जैसे डोनेशन अगर बिल्डिंग के फंड के लिए मिली है या उससे रिलेटेड इनकम हुई है फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो सारी की सारी चीज़ें उसी के अंदर क्रेडिट हो जाती है मतलब उसी फंड में जाके ऐड हो जाती है उसकी वैल्यू और उससे रिलेटेड जो पेमेंट हुई मतलब हमने बिल्डिंग बनाने के लिए जितना हमारा फंड यूज़ हो गया या उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हुए वो उसमें से डेबिट हो जाते हैं इट मींस उसी में से ही माइनस हो जाते हैं तो डोनेशंस और इनकम्स होंगी तो उसी पर्टिकुलर फंड के अंदर ऐड हो जाएंगी और उससे रिलेटेड पेमेंट्स होंगे या फिर एक्सपेंसिज़ होंगे तो वो उसी में से ही डेबिट हो जाते हैं ठीक है तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए देखिए जैसे आपको ये गिवन है कि ये आपको कोई भी एक फंड गिवन हो मान लीजिए आपको बिल्डिंग फ़ंड ही गिवन है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसका उसका ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं जो भी बैलेंस हो है ना उसके बाद क्या करते हैं उससे रिलेटेड जो भी डोनेशन हुई हो या इंटरेस्ट मिली हो ठीक है या फिर कुछ भी हो सकता है कि आ, हमने टिकट दी वो सेल कर दी उससे रिसिप्ट आई पर किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड थी उसी फंड से रिलेटेड थी तो वो उसी के अंदर ऐड हो जाएगी और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसिज होंगे वो उसी में से ही लेस हो जाएंगे और हमेशा जो भी फंड का जो भी बैलेंस होता है वो हमेशा लाइबिलिटी साइड में ही शो होता है कब होगा शो जब यहाँ पे आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा हो इट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस जब पे निकल के आता है तो वो हमेशा लाइबिलिटी साइड पे शो होता है ठीक है तो मतलब क्या किया पहले जो वो फंड का हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है वो लिख लिया उसके अंदर उससे रिलेटेड जो भी डोनेशन है या उससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट मिला है वो उसी में ऐड कर दिया और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो हम उसी फंड में से ही लेस करेंगे वही फंड का सारा ट्रीटमेंट चल रहा है ठीक है और जो भी हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है बैलेंस उसको हम लाइबिलिटी साइड में दिखा देते हैं बैलेंस शीट के ठीक है एक लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है इससे रिलेटेड इफ आफ्टर एडिंग इनकम टू फंड फर्दर डोनेशन रिसीव एंड डिडक्टिंग एक्सपेंसेस द फंड शो डेबिट बैलेंस इट इज ट्रांसफर दैट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट मींस देखिए यहां पे आपको मैंने बताया कि आप लाइबिलिटी साइड में शो करोगे उसको बैलेंस शीट के बट मैंने किस केस में बताया अगर आपको यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस निकल के आया हो ऑनली इन डैट केस मतलब पॉजिटिव बैलेंस ठीक है तब आप उसको लाइबिलिटी साइड में शो होगी बट इन केस अगर आपके पास डेबिट बैलेंस निकल के आ रहा है तो फिर हम इसको क्या करेंगे डेबिट साइड में ही दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे मतलब एक्सपेंडिचर वाली साइड पे दिखाएंगे मतलब क्या है जैसे आपने फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखा ठीक है आपने उसमें डोनेशन ऐड कर दी आपने इंटरेस्ट ऐड कर दिया एक्सपेंसेस आपने उसमें से लेस कर दिए और ऐसा हो गया कि फंड का अमाउंट कम रह गया और एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा हो गए है ना जैसे बिल्डिंग के लिए फ़ंड मिला था टेन लाख रुपीज़ का पर हमें ट्वेल्व लाख रुपीज़ लग गए तो वो जो टू लाख रुपीज़ हैं वो आप क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखाएंगे और कंपनी में जो भी जनरल डोनेशन आई होंगी या उस फंड से अदर देन कोई भी आई होंगी कुछ भी फंड होगा ऑर्गेनाइजेशन में उससे वो एक्सपेंसेस कवर अप किए जाते हैं इसीलिए अगर डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस निकल के आता है तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखा देते हैं और पॉजिटिव बैलेंस होता है तो उसको लाइबिलिटी साइड में बैलेंस के दिखा लेते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ऑफ एन एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफ़िक फ़ंड मतलब एक स्पेसिफिक फ़ंड मिला ऑर्गेनाइजेशन में और वो इसीलिए बना कि मिला हमें कि हम कोई ना कोई एसेट उससे प्रिपेयर करें फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड मिला तो उससे हम क्या करेंगे एक बिल्डिंग बनाएंगे ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में तो बिल्डिंग क्या होती है एक एसेट होती है ना बिल्डिंग मशीनरी ये सब क्या है एसेट है तो क्या होता है कि जब हम एक स्पेसिफिक फ़ंड से जब हम एक एसेट बना रहे होते हैं तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है किस तरीके से उसकी अकाउंट की जाती है अब वो देखेंगे तो यही है अकाउंटिंग ऑफ एन एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड उसके लिए क्या होता है आप देखें ये तो समझ आ गया कि जो भी हर तरीके का फंड होगा वो कहां जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा तो यही लिखा है मैंने एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट मतलब क्या है हम पूरी बैलेंस शीट नहीं दिखा रहे पूरी बैलेंस शीट में तो सारे के सारे एसेट्स आएंगे सारी लाइबिलिटीज़ आएंगी बट यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट है मतलब हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर जो हम एसेट बना रहे हैं एक फंड से रिलेटेड उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है तो क्या होता है ये आपको याद रखना है हमेशा सेम ही रहता है ठीक है ना जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ इन प्रोग्रेस फॉर एक्जाम्पल आप ना एक बिल्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो बिल्डिंग बना रहे हो तो ये बिल्डिंग क्या है अभी बनी नहीं है वर्क इन प्रोग्रेस से चल रहा है अभी काम राइट तो अब क्या है बिल्डिंग जब बन जाएगी तो भी वो एसेट है और अगर अभी बन रही है तब भी वो एसेट ही है तो इट मीन्स एसेट्स में हम लिख देते हैं बिल्डिंग बट अभी वो पूरी नहीं बनी इसीलिए हम जरूर लिखते हैं कि इन प्रोग्रेस अभी बनी नहीं है सिर्फ इतना ही आता एसेट साइड पर लाइबेटी साइड पर कैपिटल फंड आएगा जो कि मैंने बताया कि सारे के सारे तरीके के फ़ंड हमेशा लाइबिलिटी में ही जाएंगे तो हमेशा ऊपर आप कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है मैंने एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम डैश वन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बिल्डिंग का एग्जाम्पल लिया है कि बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपके पास यहाँ पे होता है ट्रांसफर्ड होता है बिल्डिंग के फ़ंड से और यहाँ पे क्या है बिल्डिंग के फ़ंड का ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है कैपिटल फंड में क्या हुआ यहाँ लिख दिया वो बिल्डिंग का अमाउंट जो कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा जो वर्क इन प्रोग्रेस चल रही है ठीक है यहाँ पे आपको कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस ये भी क्वेश्चन में ही गिवन होगा और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे ऐड हो जाता है जो बिल्डिंग फंड से हम कैपिटल फंड में पैसा डाल रहे हैं और बिल्डिंग फंड में से क्या लेस हो जाता है जो पैसा हम कैपिटल फंड में डाल रहे हैं इसमें से जा रहा है इसलिए इसमें से माइनस और इसमें आ रहा है इसीलिए इसके अंदर ऐड हो जाता है तो लिखना तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है आपके पास ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड हो रहा है ये लेस हो जाता है और यहाँ पे बिल्डिंग फ़ंड से ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये ऐड हो जाता है ज़रूरी नहीं है हमेशा बिल्डिंग फ़ंड गिवन हो मैंने बताया बहुत सारे तरीके के फ़ंड होते हैं टूर्नामेंट फंड मैच फ़ंड प्राइस फ़ंड तो सब में आपका ऐसा ही चलता है बस हमेशा ये कैपिटल फ़ंड में ट्रांसफ़र करने का अमाउंट लेस हो जाएगा और यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा होगा उससे ये ऐड हो जाएगा सेम हमेशा हर बार यही फॉर्मेट रहेगा एक छोटा सा पॉइंट इन केस द अमाउंट ऑफ फंड इज लेस देन एक्सपेंसेस द बैलेंस ऑफ एक्सपेंसेस नॉट कवर्ड बाय फंड इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट मीनस स्टूडेंट्स की अगर आपके पास जो फंड है ठीक है जैसे कि आपको फंड मिला था टू लैख का तो टू लैख का फ़ंड था बट एक्सपेंसिस मान लीजिए टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड के हो गए तो वो जो एक्सपेंसिस का बैलेंस है मतलब वो जो ट्वेंटी थाउजेंड है जो हम फंड से कवर नहीं कर पाते ना वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर चला जाता है मतलब क्या होता है कि अगर हमें कहीं से कोई फ़ंड मिला और हमें उससे बिल्डिंग बनानी है तो अगर फ़ंड कम पड़ जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन ना अपनी जनरल इनकम से जो उनके पास उनको अलग से इनकम मिली हुई है अदर देन उस फंड से रिलेटेड तो उधर से यूज़ करके हमें बिल्डिंग तो बनानी है हम बीच में तो नहीं छोड़ सकते तो वो यही बोल रहा है कि अगर एक्सपेंसिस ज्यादा हो गए और फंड का अमाउंट कम पड़ गया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखा के उन एक्सपेंसेस को कवर कर लिया जाता है और डेबिट साइड पर जाता है इसका मतलब यह है कि एक्सपेंडिचर साइड पर जाता है इनकम तो नहीं हो रही ना एक्सपेंडिचर साइड पर जाएगा तो इसीलिए इसको डेबिट साइड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के दिखा देते हैं तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक में है फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर सेवन से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन सबसे पहला आपके पास जो सेवन क्वेश्चन है वो ये है स्टेट हाउ विल बी द प्राइजेज अवार्डेड ऑफ़ फाइव थाउजेंड शोन वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन मतलब हमने सिर्फ एक प्राइज अवार्ड करे हैं फाइव थाउजेंड के तो उसको आप कैसे शो करोगे फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए तो क्या होता है कि फाइनल अकाउंट्स क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है बैलेंस शीट है तो हम क्या करेंगे जो हमने करे हैं ये कोई कोई एसेट या तो नहीं दिख रही तो और ना ही कोई फंड है तो मतलब बैलेंस शीट में तो नहीं जाएगा तो ये क्या होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और प्राइस हैं मतलब हमारे से क्या हुआ है कैश का आउटफ्लो हुआ है कैश आई तो नहीं है तो अगर आउटफ्लो हुआ है मतलब ये क्या है हमारा एक एक्सपेंस है तो जब एक्सपेंस होता है तो हम क्या करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा देते हैं देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं और ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन है एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पे और इनकम साइड पे मतलब क्रेडिट साइड पे इनकम आ जाती है ठीक है तो कुछ नहीं था सिंपल आपसे प्राइस अवार्डेड से रिलेटेड पूछ रखा था और प्राइज अवार्डेड क्या है एक्सपेंडिचर है उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं गिवन है तो इट मीन्स आप सिंपल सा यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड पर लिख दोगे कि प्राइज अवॉर्डेड है ठीक है और फाइव थाउजेंड आपको अमाउंट गिवन था उसके अलावा और कुछ नहीं करना कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी कुछ इनकम साइड पे नहीं आएगा बस इतना ही करना था

तो इस बार क्या करना है बैलेंस शीट में जाना है तो क्या किया बैलेंस एक्सट्रैक्ट है, है इसीलिए तो आपको गिवन हो तो आप यहां पे आगे लिख देंगे लाइबिलिटी अमाउंट एसेट एंड अमाउंट और बैलेंस शीट में कोई डेबिट और क्रेडिट का नहीं होता अब क्या करेंगे टूर्नामेंट फंड गिवन है सारे के सारे तरीके के फंड क्या होते हैं लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं तो ये क्या है टूर्नामेंट फंड आ गया यहाँ पे तो सबसे पहले क्या होगा इसका जो ओपनिंग बैलेंस है आप वो लिख देंगे ठीक है ओपनिंग बैलेंस स्टूडेंट्स आपको एट्टी थाउजेंड गिवन है और इसी में ही लेस हो जाएंगे कौन से एक्सपेंसेस जो टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हैं क्योंकि वो इसी से ही रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं और वो आपको गिवन है फोर्टीन थाउजेंड के तो वो इसी में से ही लेस कर दीजिए और माइनस करके आपके पास सिक्सटी सिक्स थाउजेंड का जो अमाउंट है वो आ जाएगा और अभी कुछ भी ऐसा ऐसा सच नहीं है कि आपके पास कोई एसेट क्रिएट हो रहा हो इसलिए एसेट साइड पर कुछ नहीं आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ आर दी फॉलोइंग आइटम शोन इन फाइनल अकाउंट सेम वही है फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ठीक है टूर्नामेंट फंड आपको गिवन है फिफ्टी थाउजेंड का फिर आपको टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस गिवन है फिफ्टीन थाउजेंड के और रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स गिवन है ट्वेंटी थाउजेंड की मतलब अगर आपको ये रिसिप्ट ना गिवन होती तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है ऊपर वाला है ना कि क्या था कि टूर्नामेंट के फंड और एक्सपेंसिस को हम लाइविलिटी साइड पर दिखाते हैं दोनों को लेस करके बट क्या है रिसिप्ट आई है पर अगर ये रिसिप्ट सिर्फ टिकट्स लिखा होता या किसी और चीज़ से हुई होती तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखा देते बट जब टूर्नामेंट टिकट्स को ही सेल करके पैसा है हमारे पास तो वो टूर्नामेंट के उससे फंड से ही रिलेटेड हो गया तो क्या होगा ये उसी के अंदर ऐड हो जाएगा जो कि मैंने बताया था कि उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं तो उसी में से ही लेस होते हैं इन द सेम वे उसी से रिलेटेड डोनेशन मिल रही हो या इंटरेस्ट मिल रहा हो या उसी से कहीं से रिलेटेड आपके पास पैसा आ रहा हो तो वो उसी के अंदर ही ऐड हो जाता है देखिए बैलेंस शीट का फिर वही एक्सट्रैक्ट है और कुछ भी हमें डेट नहीं गिवन इसलिए एज एट ई करके छोड़ देते हैं लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट एन अमाउंट तो जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया जो भी आपके पास एसेट का अमाउंट गिवन है वो टूर्नामेंट फंड का अमाउंट करके आप इसी साइड लिख देंगे और वो आ जाएगा आपके पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस करके ठीक है ना कितना है फिफ्टी थाउजेंड का है वो लिख दीजिए उसके बाद क्या है उससे रिलेटेड ना आपके पास जो रिसिप्ट है पहले वो इसमें ऐड कर दीजिए कि आपको जो रिसिप्ट मिली है ठीक है फ्रॉम कहाँ से मिली है सेल करिए हमने टिकट्स की इसी से रिलेटेड है तभी इसी में ऐड कर रहे हैं तो ट्वेंटी थाउजेंड की आपके पास से जो रिसिप्ट आई है आप इसी में ही ऐड कर देंगे और इसी में ही हम क्या लेस कर देंगे जो टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस है किसी और चीज़ से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाते हैं तो फिफ्टीन थाउजेंड के एक्सपेंसिज इसी में से ही लेस हो जाएंगे ठीक है तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड का और एज सच कुछ भी एसेट से रिलेटेड नहीं गिवन इसीलिए एसेट साइड पर कुछ नहीं आएगा नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद इन द फाइनल अकाउंट ऑफ आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक केस वन गिवन है और एक केस टू गिवन है पहले केस वन देखिए देखिए प्राइज फंड गिवन है ठीक है प्राइज अवार्डेड गिवन है ठीक है. है, है ये लाइबिलिटी साइड पर चला जाएगा उसी में से ही प्राइज़ अवार्डेड लेस हो जाएंगे क्योंकि तो एक्सपेंस है राइट फिर क्या है मैच की एक्सपेंसिस गिवन है तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि प्राइस फंड और प्राइज अवॉर्डेड तो ठीक था कि प्राइस फंड जो था उसी से ही रिलेटेड एक्सपेंस था बट ये मैच एक्सपेंसिस क्या आ गए इससे रिलेटेड तो हमें कुछ भी फंड नहीं गिवन इट मीन्स ये क्या है कोई अलग से आपको एक्सपेंसिस दे दिए हैं तो ये कहाँ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा तो हर क्वेश्चन में उन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऐड करके अलग सा दिया है तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट है ठीक है और आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं डेट वगैरह गिवन तो आप कुछ नहीं लिखेंगे फिर क्या है सिंपल क्या है देखिए और कुछ तो नहीं था सिर्फ मैच के एक्सपेंसिस ही थे ना जो अलग से लग रहे हैं बाकी तो जो चीज़ें हैं वो लाइबिलिटी साइड पर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड पर यहाँ पर सारी चीज़ें टू करके तो सिर्फ यहाँ पर टू मैच एक्सपेंसिस लिख दीजिए और उसका अमाउंट आपको फिफ्टीन थाउजेंड का गिवन है डैट सेट उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा अब देखिए अब आ जाइए बैलेंस शीट में अब देखिए बैलेंस शीट में क्या आएगा इस वन में देखिए आपको क्या गिवन है प्राइस फंड गिवन है तो लाइब्रेलिटी साइड पर सबसे पहले प्राइस फंड लिख दीजिए ठीक है. है तो प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस जो आपको गिवन है फिफ्टी थाउजेंड का वो आ जाएगा और इसी के बाद जो इसमें प्राइज़ अवार्ड हो रहे हैं वो इसी में से ही लेस हो जाएंगे तो ये प्राइज़ अवार्डेड इसी में से ही लेस हो जाएंगे ट्वेल्व थाउजेंड इसमें से लेस कर दो और सॉल्व करके जो अमाउंट है वो थर्टी एट थाउजेंड का आ जाएगा एसेट साइड पे कुछ नहीं आएगा और बाकी वही जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैच एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आएंगे अब केस टू देखिए मैच फंड गिवन है वन लाख ,00 का ठीक है मैच के एक्सपेंसेस गिवन है थर्टी फाइव थाउजेंड के ठीक है उसी में से ही लेस हो जाएंगे और मैच फंड का अमाउंट लाइविलिटी साइड पर चला जाएगा फिर इन्वेस्टमेंट्स है स्टूडेंट्स तो ये एक न्यू थिंग आई है आपके पास क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स क्या है मैच फंड से रिलेटेड है तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले बात अगर मैच फंड से रिलेटेड ना भी होती तभी भी कहाँ जाती एसेट साइड पर ही जाती राइट तो ये इन्वेस्टमेंट मैच फंड से रिलेटेड है तो आप इसको कहाँ लिख देंगे एसेट साइड पर लिख देंगे ठीक है उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है मैच फंड की इन्वेस्टमेंट पे मतलब अगर हमने कहीं पे मैच फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करी वहाँ पे हमें उससे रिलेटेड क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है तो अगर इंटरेस्ट मिल रहा है मैच फंड से रिलेटेड तो उसी के अंदर ही ऐड हो जाएगा फिर क्या है एक अलग सी चीज़ प्राइस अवार्डेड दे दिए जैसे यहाँ पे मैच एक्सपेंसेस दे दिए थे अब यहाँ पे प्राइस फंड से रिलेटेड कुछ नहीं गिवन है तो फिर इसीलिए हमें प्राइस अवार्डेड क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखा देंगे तो देखिए सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक ही चीज़ आनी है तो इस साइड लिख देते हैं टू प्राइज अवार्डेड जो आने हैं ठीक है ठीके? और ये सिर्फ नाइनटीन थाउजेंड के आने हैं इसके अलावा और कुछ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आना ठीक है इसके बाद क्या है बैलेंस शीट है तो देखिए बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले आपको देखिए जो आपको मैच फंड का अमाउंट गिवन है ना आप वो लिख लीजिए सबसे पहले हमें मैच फंड गिवन है वन लाख का हमने वो लिख लिया उसके बाद क्या है हमें मैच के एक्सपेंसेस गिवन है और हमें इंटरेस्ट मिला है तो हम क्या करेंगे इसमें ऐड क्या करेंगे जो हमें इंटरेस्ट मिला है आप पूरा लिखेंगे ठीक है आप एक इंटरेस्ट मिला है थ्री थाउजेंड का वो इसमें ऐड कर देंगे और लेस क्या हो जाएगा इसके अंदर जो भी मैच से रिलेटेड एक्सपेंसिज हुए हैं वो इसमें ही लेस हो जाएंगे तो थर्टी फाइव थाउजेंड क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिक्सटी एट थाउजेंड का अमाउंट निकल के आ जाएगा क्या किया जो फ़ंड था वो लिखा उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट मिला वो उसी में ही ऐड और जो एक्सपेंसेस हुए वो उसी में से ही लेस कर दिए इस बार एसेट साइड पर ज़रूर आएगा हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं हमने मैच फंड की वो आप ज़रूर लिखिए भूलना नहीं है इन्वेस्टमेंट्स हमने मैच फंड की करी हैं और वो करी है हमने सिक्सटी थाउजेंड की तो आप वो वाला अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिए दे सेट सो so, I hope students आपको फंडवेज अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन और कैसे एसिड का ट्रीटमेंट होता है और सेवन से लेकर टेंथ तक क्वेश्चन समझ में आए हो और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेलाइकन